lost in your eyes, under your spell. वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग. सो हैप्पी बर्थडे टू आर्यांश. एंड आज उसका बर्थडे है तो बैग मैंने पैक कर लिया है. एंड मैंने मेरा क्या मेरा घुंघरू है ये. तो क्या है ना, और जैसे कि कल के व्लॉग में मैंने बोला था कि पता नहीं मैं क्या करूँगी, तो मैंने क्या किया ना, मेरे ट्यूशन का थोड़ा सा होमवर्क है वो ले लिया. मैंने मैथ मेरा प्रैक्टिस कॉपी ले लिया है और मेरा मैथ बुक ले लिया है, और मैंने फर्स्ट एंड सिक्स्थ पीरियड के बुक्स लिए एंड कॉपीज लिए, और मैंने कुछ नहीं लिया. और रफ कॉपी मैं भरना भूल गई. अगर मैम कुछ लिखाएंगे तो रफ कॉपी में लिखना है. नहीं कोई बात नहीं, मैं मेरे प्रैक्टिस कॉपी के पीछे वाली साइड में लिख दूंगी. अच्छा, आज भी क्लासेस होंगे नॉर्मल. अगर मैम बोले, अगर होता तो मैम बोल भी देती. तो मेरा छुट्टी होना ही है, मैं स्कूल जाऊंगी. एक्चुअली अभी बज चुका है 2:19 हो गया, और आज मेरा ब्लॉग अभी तक अपलोड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पता नहीं आज इंटरनेट का क्या प्रॉब्लम हो गया. मैं 2-3 बार मतलब कस्टमर केयर से कॉल करके कंप्लेन कर ली, उसके बाद जाके थोड़ा इंटरनेट स्पीड बढ़ा है, और फाइनली अभी मेरा व्लॉग मतलब पब्लिश्ड हुआ है, अपलोड कंप्लीट हुआ है. नहीं तो मैं 2 बजे के अंदर ही मतलब देना चाहती हूँ 2 बजे, लेकिन क्या होता है यही कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, तो कभी मेरा एडिट नहीं हो पाया होता कि मैं एडिट नहीं कर पाई होती हूँ, तो इसी वजह से लेट हो जाता है. और मेरा सर्दी की वजह से थोड़ा गला बैठ गया है. एंड आज सुबह से तो मेरा खाना वाना बन चुका है, क्योंकि मंडे से तो रेगुलरली जो जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसके पापा भी खाना लेके जाते हैं, प्रियांशी खा के जाती है, तो और मुझे दोपहर को उतना काम नहीं होता खाना बनाने का. लेकिन सैटरडे संडे यही हो जाता है कि खाना सुबह नहीं बनाती हूँ, लेट में बनाऊँगी सोचती हूँ, और उस दिन बहुत आलस लगता है बहुत लेट तक खाना बनाने में, क्योंकि रेगुलरली मैं जल्दी बना लेती हूँ ना इसी वजह से. एंड जब मेरा वीडियो अपलोड हो रहा था मैं जाके लंच भी कर ली हूँ, लेकिन बर्तन अभी नहीं क्लीन करूँगी क्योंकि मुझे अभी नींद लग रही है, और कपड़ा भी धो के मैं सुखा ली हूँ. तो अभी मतलब मैं जाऊँगी थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर प्रियांशी आने के बाद आज इवनिंग को उसको मुझे खिचड़ी एंड खट्टा खिलाऊँगी उसको समझा बुझा के, क्योंकि खिचड़ी बना दी हूँ और वो ज़्यादा बन गया है इसी वजह से. लेकिन प्रियांशी हाँ, खिचड़ी और खट्टा जिस दिन होता है और आलू होता है तो वो खा लेती है इवनिंग को, मतलब स्कूल से आने से खा लेती है. लेकिन नॉर्मल चावल दाल और ये सब्जी कुछ दोगे तो वो नहीं खाती है. इवनिंग को फिर कुछ बनाना पड़ता है उसके लिए. एंड दो दिन लग जाता है, मतलब सैटरडे के दिन हाफ डे होता है ना प्रियांशी का, तो इस दिन भी मतलब वो 11 बजे से आ जाती है, 11:30 बजे से, तो मुझे लगता है कि उस दिन भी छुट्टी था और संडे भी. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग प्रियांशी. इवनिंग आके हरबरी से तैयार हो रही है, उसके पापा का चप्पल पहनी है घर के अंदर. ये पापा का है? और किसका है? पानी बोतल भर रही हो क्या? तुम जब स्कूल चली गई हो ब्लॉग में बस 1 मिनट या 2 मिनट बना पाई? नहीं बनाई. पैसा दो, मैं बैंडेड खरीदूंगा. कल जो पैसा रिटर्न किए थे वो कहाँ रखे? पिगी बैंक के अंदर. चेंज करके जो चेंज पैसा पिगी बैंक के अंदर. तो मेरा पर्स ला, वो छोटा वाला, उसमें है क्या देखते हैं. फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक टास्क है करने के लिए, जो कि है मुझे मेरे हाउस का बोर्ड वर्क के लिए मुझे थोड़ा फ्लावर्स बनाने हैं. और मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकती क्योंकि हमारी मैम लोगों ने मना किया है, बिकॉज वरना अगर दूसरे हाउस के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा हमारे हाउस का सीक्रेट प्लान. तो हम लोगों को क्या करना है ना, बोर्ड वर्क के लिए फूल बनाना है. और मेरे टीचर्स लोगों को पता नहीं था कि वो फूल एक्चुअली मैंने नहीं, मेरी मम्मा ने आधा किया था, मैंने स्टार्टिंग का आधा किया था. तो अभी आज फिर से अपना
ऐसे दिखाना जैसे मैंने काम नहीं, मम्मी नहीं बनाते आप इधर क्या कर रहे हो? बना नहीं 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 मैं तो मजाक कर रही थी ना, वो तो थोड़ा व्लॉग में हाँ। अभी हम लोग बनाने वाले हैं एक येलो कलर का फ्लावर जो कि है ऐसा। हम आपको खाली आपको ग्रीन नहीं बनाना, आपको ओनली येलो वाला बनाना है ठीक है। और आपको जो भी हेल्प चाहिए होगा, अगर कटिंग में हेल्प चाहिए होगा, पेपरिंग में हेल्प चाहिए होगा, तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। और इसको थोड़ा सा बड़ा साइज में बनाना है। सबको दिखाया था मेरा ये पेंटिंग, और एक और कलेक्शन इसमें ऐड हुआ था कल जो कि था इस कलेक्शन। इधर मैंने प्रियांशी लिखने की कोशिश की थी। अगर आप इसको इधर से देखोगे तो आपको ये 3D दिखेगा। ये देख रहे हो ये स्पाइकी स्पाइकी वाला ऊपर वाला पार्ट पूरा 3D ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी डाला है इसको। और ये तो है 3D, तो इसमें देखने वाली क्या ही बात है, दिखाने वाली। तो मेरा आर्ट को हम अरेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज। एंड यहाँ है बैंडेड्स मेरे हाथ के वुंड के लिए, क्योंकि मैं बैंडेड चेंज करती हूँ। ये है एक वाटरप्रूफ वाला बैंडेड, वाटरप्रूफ वाला, एंड दिस वन इज द नॉर्मल वन। ओके, मेरी मम्मी देख रही है, फिर उनको अभी जो हेल्प चाहिए होगा मैं करूँगी, एंड अगर उनको थोड़ा बनाने में भी हेल्प चाहिए होगा मैं बना दूँगी। अभी मम्मी बना रही है, तो अभी हमें रियलाइज़ हुआ कि जो वीडियो मेरी दोस्त ने, मैंने उसको बोला था कि मुझे लग रहा था कि वो उतनी ट्रस्टवर्थी है कि वो पागल लड़की मुझे सेंड कर पाएगी वीडियो को एक अच्छा से सिलेक्ट करके। उसने मुझे फोटो सेंड किया था, फिर मैंने उसको कॉल करके बोला कि तूने मुझे फोटो क्यों सेंड किया। मैंने बोला था कि वीडियो तू चूज करेगी और मुझे सेंड करेगी, तो फिर उस लड़की ने बोला कि रुक मैं तुझे वीडियो सेंड करती हूँ। तो उसने मुझे फिर वीडियो सेंड किया, मैंने उसको देखा। मुझे मैंने मम्मी को बोला कि थोड़ा बड़े साइज में होगा, फिर मम्मी ने बोला कि वो बड़ा साइज नहीं हो पाएगा। तो मम्मी को मैंने पूछा कि मैं बना सकती हूँ या, मम्मी ने बोला तू तो और बेकार कर देगी, तेरा जाएगा वर्ड बोर्ड वर्क सारा। तो इसलिए मैं तो कर था जो मैं अभी अभी देखी, लाइक जस्ट कुछ तो है। मैं बोल रही थी उसने मुझे भेजा है वो स्मॉल साइज का होगा, तो वो थोड़ा सा मीडियम साइज का होगा। मैं बोल रही हूँ बोर्ड जो होता है ना वो इससे मच वाइडर होता है, एंड उधर अगर इतना छोटे छोटे फूल लगेगा तो क्या ही दिखेगा एक बोर्ड। तो इसीलिए मैंने फिर सोचा कि उसको कॉल करते बोलते कि थोड़ा चेंज करते, लेकिन वो उठा ही नहीं रही अभी कॉल। सीरियसली टाइम हुआ क्या है 10:30 हैं, मुझे बोलती कि 1 बजे तो मैं जगी रहती हूँ ठीक है। मैं उसको जब कॉल की थी 10:30 या 10:15 हो रहा था, तो वो लड़की उठाई भी नहीं। उसको आज स्कूल, उसको मैं कल स्कूल जाने पर बोलती हूँ, बताती हूँ उसको। रिसेंटली मुझे जिद लगी है एक गिटार के लिए, क्योंकि श्रेयांश तो आई डोंट थिंक मुझे देने वाला है वो गिटार, और ऐसे भी उसका है, तो मुझे लगा कि मैं भी गिटार सीखूँगी। मतलब क्लास तो नहीं, मैं यूट्यूब से भी सीख सकती हूँ और गिटार भी मैं बजा सकती हूँ। 2000 का मिल रहा है अमेज़ॉन में, लेकिन मम्मी ने मुझे मना कर दिया। तो मैंने गाना बनाया था जो कि मैं कल रात को गा गा के सो रही थी। आई नीड अ गिटार यो, बट मम इज नॉट गिविंग मी यो, आई हैव अ गिटार नॉट आर। मम्मी का नाम गीता है, बट मैं पापा ने बोला कि तेरी मम्मी का नाम तो गीता है, उसमें बस एक आर लगा दे तो गिटार हो गया तेरा। It's funny because it's true. हमारा जो फूल है वो बन गया है, मम्मी और मैंने बैठ के इधर बना लिया। आई नो मैं आप सब से बात कर रही थी, लेकिन फिर एक मम्मी ने बनाया था और एक मैंने उनकी हेल्प की थी कटिंग में। सॉरी, कटिंग तो मम्मी ने किया था, पेस्ट मैंने किया था, तो हम दोनों कर लिया। और ये मैं लेकर आई थी ये पीस हमारा, जो कि मैं सोची थी पेंट करूँगी। तो अब से हर वीकेंड ना मैं पेंट करूँगी हमारा ये जो लेफ्ट ओवर चीज़ें हैं। एक हमारे पास बड़ा वाला है जिसमें मैं पेंटिंग करूँगी, तो उसमें मैं एक अच्छा सा कलाकारी करके पेंटिंग करूँगी। एंड वेल आज के लिए हम वीडियो एंड कर देंगे सोच रहे हैं, एंड कल सुबह मुझे
जल्दी उठना है एंड हमारा जो फूल है वो ओवरऑल टाइप का दिख रहा है जो हमारे बोर्ड में लगने वाला है। आई एम नॉट श्योर हमारी मैम और वो हमारे कैप्टन हाउस कैप्टन को ये अच्छा लगेगा या नहीं, बट लेट्स सी। पता नहीं वो लड़की फिर कैसा बना के ले आई होगी कि वो सनफ्लावर बना के ले आई होगी, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं तो ऐसा बना के ले आई हूँ, अगर वो दीदी मुझे खाली बोलते ना तो मैं बना लेती हूँ। याद नहीं, कभी कभी टीम वर्क ज़रूरी होता है। मैं स्कूल में बना बैठ के बना लेती लेकिन मेरा थोड़ा सा काम रहता है, स्कूल में डांस प्रैक्टिस था होता है। तो एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल द एंड, एंड अगर आपको अच्छा लगे देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। Bye. ऐसे क्यों बोल रहे? Bye. Bye. ऐसे भी नहीं बोलते मैं। Bye guys. See you in the next. So thank you so much for watching this vlog till the end. And अगर आपको अच्छा लगा तो don't forget to like, share, subscribe and click the bell icon. Bye. See you in the next vlog. तो ऐसे ही मैं bye बोलती हूँ। वो लोग जो थे वो मेरे पूर्वज लोग थे, but anyways bye.